हेलो गाइस, मैं शशि विद किचन में आपका वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आपको मेथी के पराठे और विद मेथी के पराठे के अंदर पनीर डालकर कैसे बनाते हैं मैं आपको आज बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ये मेथी लिया था, ये देखिए। तो मैंने आधा किलो मेथी ली थी और आधा किलो मेथी को मैंने इस तरह से ये आटा और ये मेथी ऐसे डालकर, ये देखिए इस तरह से मेथी आप डाल लीजिएगा। ये देखिए मेथी का साग मैंने डाला है और इस तरह से आप आधा किलो आटा आप इसमें मैंने इसमें डाला है और ये देखिए ये आप ना धनिया आप इसमें डालिएगा और थोड़ी सी हरी मिर्चा इसमें डाला है, ये देखिए, और थोड़ा सा ये आधा चम्मच अदरक। इस तरह से आप ऐसे डालकर और स्वाद अनुसार ये आप इसमें ऐसे थोड़ा सा ऐसे नमक ऐसे डाल लीजिएगा। जितना भी आप अपना नमक खाते हैं आप उतना उसमें थोड़ा सा ऐसे नमक इतना डाल लीजिएगा। और फिर इस आटे को आप इसी तरह से जैसे आटा रोटी का आटा गूंथते हैं इसी तरह से इस आटे को आप ऐसे गूंथ लीजिएगा। थोड़ा सा पानी डाल डालकर ऐसे गूंथ लीजिएगा। गूंथ के फिर आप ऐसे लोई लेकर इतनी ऐसे लोई इतनी जितनी बड़ी आप पराठी खाते हैं उतना बड़ा आप ऐसे पराठी ऐसे लेके और इस तरह से आप बेल लीजिएगा। बेल के और फिर इसके अंदर आप ऐसे हल्का से रिफाइंड लगा लीजिएगा। फिर आप इसको फोल्ड कर दीजिएगा। फोल्ड करके फिर ऐसे रिफाइंड लगा दीजिएगा और फिर आप इस तरह से रिफाइंड कर ऐसे फोल्ड करके आप, ये मैं अभी आपको मेथी का ही बता रही हूँ। और ये पनीर को आप इस तरह से लेके आप चूरा करके ऐसे रख लीजिएगा और ये देखिए इस तरह से आप ऐसे फोल्ड करके और ऐसे ऐसे मतलब पतला आप इसको ऐसे बेल लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ऐसे आप बेल लीजिएगा, गोल गोल बेल लीजिएगा। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, आप अपने घर में बनाइएगा और खाइएगा गरम गरम। और गरम गरम ही बहुत अच्छे लगते हैं, सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं मेथी के पराठे। सर्दियों में ही मेथी चलती है, गर्मियों में मेथी नहीं चलती है मार्केट में। इस तरह से आप देखिए ऐसे ऐसे इस तरह से आप ऐसे डाल दीजिएगा। और जब तक ये बन रहा है तब तक मैं आपको पनीर वाला आपको बताती हूँ। आप इस तरह से आटा लोई ले ले लीजिएगा और इसको इस तरह से आप ऐसे बेल के, ये देखिए इस तरह से आप बेलिएगा। जब तक ये बन रहा है तब तक आप पनीर वाला प्रेशर बनाइएगा। ये देखिए इस तरह से आप बेल लीजिएगा ऐसे बेल के और फिर हल्का सा रिफाइंड, जो भी आप घी खाते हैं तो घी लगा लीजिएगा, या मक्खन खाते हैं तो मक्खन लगा लीजिएगा, या फिर आप रिफाइंड लगाते हैं तो रिफाइंड लगा लीजिएगा। जब तक ये हो गया तब तक आप इस तरह से पलट दीजिएगा साथ में। और इस तरह से आप ये पनीर जो आपने चूरा करके अपना रखा हुआ है इस तरह से आप इसको पनीर को इसके अंदर आप भर देंगे इस तरह से भर के और फिर आप इस तरह से फोल्ड कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से आप फोल्ड कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर दीजिएगा, इस तरह से फोल्ड करके और फिर आप इसको सूखा आटा ऐसे लगा कर, ये देखिए सूखा आटा ऐसे आप लगा कर और धीरे धीरे बेलिएगा जैसे कि ये फटे ना, इस तरह से। बहुत ही टेस्टी लगता है ये मेथी का पराठा। और देखिए ये देखिए तब तक ये सिक गया है, तो जब तक ये सिक गया है तब तक आप इसको ऐसे रिफाइंड लगा दीजिए। मैं तो रिफाइंड लगाती हूँ, आप अपने घर में जो भी लगाना हो आपको घी या देसी घी लगाइए या मक्खन लगाइए या रिफाइंड लगाइए, आपको जो भी खाना हो आप इस तरह से लगा लीजिएगा और इस तरह से आप ऐसे इसको ऐसे सेक लीजिएगा। जब तक ये हो रहा है आप इसको सिकने दीजिए और इसको तब तक आप इसको इस तरह ऐसे बेलते जाइएगा। ये देखिए अगर चिपक रहा है तो आप इसके ऊपर ऐसे सूखा आटा ऐसे लगा लीजिएगा इस तरह से और फिर पलट के भी लगा लीजिएगा जैसे नीचे से चिपके ना, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आप बेलते जाइएगा, सावधानी से बेलिएगा कि जैसे वो फटे ना। इस तरह से गोल गोल आप इसको बेल बेल कैसे ऐसे पतला कर दीजिए रोटी को। बहुत ही टेस्टी लगती है, आप अपने घर में बनाइएगा तो खाइएगा और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये देखिए इस तरह से आप बेल लीजिएगा और जब तक ये देखिए सिक गई पराठी आप इसको इधर से भी सेक लीजिए। ये देखिए इस तरह से आप सेक लीजिए इधर से और इसी तरह से जैसे ये पराठी मैंने बेली है जैसे ये मैं पराठी सेक रही हूँ इसी तरह से ये वाली मेथी वाली पराठी के जैसे ही आप इस वाली, ये देखिए इस तरह से मैंने ये बनाया, ये देखिए और ये वाली पराठी आप मेथी पनीर वाला आप इस तरह से इसमें डाल दीजिएगा और आप सेक कर दीजिएगा।
इसी तरह से जैसे मैंने ये पनीर वाला बोला बनाया है मेथी का पराठा, इसी तरह से आप इसको भी सेकिएगा। और जब ये सीख जाएगा तो आप इसको रिफाइंड लगा दीजिएगा, रिफाइंड लगा के सेक के आप इसको इस तरह से खाइएगा। देखिए मैंने आपके लिए बनाए हैं पहले से ही, मैं आपको दिखाने के लिए, तो ये देखिए मैंने बनाया, ये देखिए पनीर का पराठा है, अभी भी मैंने जो आपको बताया, ये देखिए पनीर का पराठा, ये देखिए कितना अंदर भरा है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए आप इस तरह से खाइएगा इसको, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए गर्म गर्म गर्म, ये देखिए पनीर का पराठा। इसे आप चाय के साथ भी खा सकते हो, अचार के साथ भी, और दही के साथ भी आप खा सकते हो। और ये देखिए मेथी का पराठा है जो अभी मैंने आपको बनाया है, ये देखिए मेथी का पराठा, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखिए गर्म गर्म। और आप अपने घर में इस तरह से बनाइएगा, खाइएगा, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बेल बटन दबाइए, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर बंद करिएगा, इतना तो बनता है ना। आपकी उम्र लंबी हो, भगवान आपको निरोग रखे, तंदुरुस्त रखे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। ओके बाय।